Yes, children, in today's class, let us start with question number 10 of exercise 11.2 on the topic mensuration. There is a pentagonal shaped park. ये एक park है, इसकी shape कैसी है? Pentagon की shape है, ठीक है? For finding its area, Jyoti and Kavita divided it in two different ways. इसका pentagonal shape जो park है, इसका area निकालना है. तो ज्योति ने इस पार्क को अलग तरीके से डिवाइड किया और कविता ने इसको अलग तरीके से डिवाइड किया और दोनों ने एरिया निकाला इन टू डिफरेंट वेज. देखो, ज्योति ने इस तरीके से कर लिया कि यहाँ से एक लाइन बना दी और इसको दो ट्रेपेजियम्स बना करके फिर इन दोनों का एरिया निकाला. और कविता ने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये स्क्वायर हो गया और ये ट्राइंगल हो गया, इन दोनों का एरिया निकाल करके टोटल एरिया निकाला. ठीक है, तो लेट अस फाइंड द एरिया इन टू डिफरेंट वेज. अब हम ये देखो, इसमें एक चीज़ मैं बता दूं पहले, जैसे कि ये 15 है तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस भी 15 होगा, ठीक है ना? ओके, और अब ये देखो, यहाँ से यहाँ तक 15 है और यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो इसका मतलब अगर हम इतना लेंगे तो ये कितना होगा, 15 होगा. देखो, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो हाइट लेंथ दिख रहा है, इतना ऊंचाई दिख रही है, ये 30 है और इतना 15 है, तो ये बच्चे वाला कितना होगा, ये भी 15, क्योंकि 15 प्लस 15 इज 30. ठीक है, अब अगर हम ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, ये दो साइड्स इक्वल हैं, अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर बनाते हैं, जब यहाँ से हम परपेंडिकुलर बनाते हैं मतलब ये जो हाइट है ये बनाते हैं, तो वो ये जो परपेंडिकुलर है ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. मतलब क्या होगा, अगर ये पॉइंट मेरा ओ हो गया और ये ए है और ये बी है, तो ए ओ इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा. इज दिस क्लियर? राइट. तो अगर ये लाइन अगर यहाँ तक पहुँच गई तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस एक हो जाएगा, जो कि हम ज्योति के डायग्राम में देखेंगे. तो इसका मतलब हम ज्योति के डायग्राम में कैसे देखते हैं, देखो ये 15 है, ये भी 15 है. ओके, यहां से यहां तक 30 है पूरा, ठीक. अब जैसे मैंने, अब यही वाली लाइन तो यहां तक आई है, ये वाली यहां पे, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर था, ये पूरा 15 है, तो ये कितना होगा, 7.5, और ये भी कितना, 7.5 होगा. तो ये वाला जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये क्या है, ये है 7.5, ये है 7.5. ऑलराइट, इसके यूनिट्स क्या दिए, मीटर्स में दिए, मैं सबके, ये सब मीटर्स में है. ठीक है, तो हम इसका एरिया निकालते हैं. फर्स्ट केस वन, ज्योति. ठीक है, अब देखो, ये ट्रेपेजियम हो या ये ट्रेपेजियम हो, दोनों के डायमेंशन सेम है, मतलब लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स 15 30, यहाँ भी 15 30, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ भी 7.5, यहाँ भी 7.5. इसका मतलब क्या है, अगर जो एरिया इस ट्रेपेजियम का होगा वही एरिया इस ट्रेपेजियम का होगा, तो हम यहाँ पे 1 और 2 लिख लेते हैं. सो वी स्टार्ट. ज्योति's फिगर, सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1 हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 15 और ये 30, 15 प्लस 30 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 7.5 मीटर स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू हाफ, 15 प्लस 30 इज 45 इंटू 7.5 मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब क्योंकि सेम एरिया इसका भी है
तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय टू भी कर सकते हैं कि एरिया ऑफ वन ट्रेपीजियम इज दिस मच, तो एरिया ऑफ टू ट्रेपीजियम क्या है, इंटू टू। दूसरा तरीका ये है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम टू भी यही हो गया, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम टू वो भी सेम ही होगा, हाफ इंटू 45 इंटू 7.5 मीटर स्क्वायर। वही सेम प्रोसेस है, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से यही सेम आ जाएगा, सेम प्रोसेस यहाँ होगा, तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। अब एरिया ऑफ द पेंटागन क्या हो गया, दोनों को ऐड किया हमने, 1/2 इंटू 4.5 इंटू 7.5 प्लस हाफ इंटू 4.5 इंटू 7.5। ठीक है, तो देखो ये दो बार है, ये और ये, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू हाफ इंटू 4.5 इंटू 7.5, तो ये और ये कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, 4.5 इंटू 7.5 बचेगा आपके पास। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते थे, एक मिनट यहाँ पे मैं यूनिट्स लिख दूँ। दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते थे कि 4.5 इंटू 7.5 मल्टीप्लाई करके अपॉन टू करो, यहाँ पे भी 4.5 इंटू 7.5 करके अपॉन टू करो, फिर उस जो आंसर आएगा डिवाइड करने पर वो यहाँ लिखो, जो आंसर आया डिवाइड करने पर यहाँ लिखो, फिर दोनों को ऐड कर दो, तो आप देखोगे कि सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, अब हम ये कविता का फिगर देखते हैं। कविता के फिगर में क्या है, ये 15, 15, 15 एंड 15, ऑल राइट। अब ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 30 है, और यहाँ तक कितना है, 15 है, तो ऊपर वाला भी कितना होगा, 15 होगा, ये 15 है तो ये भी 15 है। ठीक है, सब जगह मीटर लिख दो। अब आप इस एरिया ऑफ द कविताज डायग्राम निकाल लो, केस टू कविता, कविताज फिगर, उसमें क्या है, एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल है, तो हम पहले निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, साइड इनटू साइड, दैट इज 15 इंटू 15 मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 225 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 15, हाइट कितनी है 15। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमने गलती कर दी बेटा, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है 15 और हाइट कितना है 15, तो ये कितना हो जाएगा 225 अपॉन 2, दैट इज मीटर स्क्वायर। एक बार और रिपीट कर देती हूँ, एरिया ऑफ द ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ ये लिखा, बेस कितना है हमारा 15 और हाइट कितनी है 15, 15 इंटू 15 इज 225 अपॉन 2। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करते हैं, तो 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2, फिर 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर पॉइंट लगाया 0 आ गया, 2 5 ज़ा 10, तो ये आ गया 112.5 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द फिगर क्या हो गया, एरिया ऑफ पेंटागन क्या हो गया,
एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 225 मीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 112.5 मीटर स्क्वायर। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। तो कविता और ज्योति दोनों का आंसर 337.5 मीटर स्क्वायर आया। इज दिस क्लियर? सो विद दिस आई वाइंड अप द क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास आई शेल टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन।